तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे की टॉपिक जो कर रहे हैं वो है डेट की कैलकुलेशन के ऊपर। डेट फॉर्मूला जो होता है उस डेट फॉर्मूला की कैलकुलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि एक्सेल में आप डेट कैसे लिखें। तो एक्सेल में डेट लिखने का अगर मेरा सिस्टम का फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरा सिस्टम का फॉर्मेट है MMDDYY। मतलब मैं पहले महीना डालूंगा, फिर दिन डालूंगा, और अगर डेट करेंट ईयर का है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है। अगर डेट आपका प्रीवियस ईयर का है तो आपको ईयर डालना पड़ेगा, राइट? ये डेट हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ये डेट किसी को मेल किया तो वो MMDDYY ना होके DDMMYY हुआ तो उसके यहां चेंज हो जाएगा, मतलब उसका हो जाएगा 10 नवंबर, क्योंकि उसका महीना हमारा महीना उसका दिन हो जाएगा और हमारा दिन उसका महीना हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो अगर आप किसी ऐसे, इसलिए आप देखते होंगे कि गूगल और बहुत सारे वेबसाइट्स में जो डेट लेते हैं वो अलग अलग लेते हैं, मंथ अलग लेते हैं, दिन अलग लेते हैं और ईयर अलग लेते हैं। क्या सर? तो अलग लेने का पर्पस यही होता था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देते हैं उसके लिए है डेट का, ईयर 2014 मैंने यहाँ पे दे दिया 18 कॉमा, मंथ दे दिया मैंने 10 और डे दे दिया 11। आ गया, ठीक है। ये आपका दिन हो गया। अभी डेट, ये दिन जो है किसी भी सिस्टम पे कहीं भी जाएगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है जी सर। अगर सर इसको इसको हम अपने से चेंज कर लेते हैं, जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से जाके होता है ना, तो ये फॉर्मेट में कस्टमाइज कर ले, हाँ तभी सर ये, हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर मान लो सेपरेट करना है तो ईयर जो है फॉर्मूला है, इसमें से आप ईयर को सेपरेट कर सकते हो। फिर हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है जो इसमें से मंथ को सेपरेट कर सकते हो, एंड हमारे पास यहाँ पे डे का फॉर्मूला है जो इसमें से डे को सेपरेट कर सकते हो, और दूसरा डेट का फॉर्मूला है जो तीनों को कंबाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डेट, राइट? और आपके पास दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि टुडे का फॉर्मूला है जो कि करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, और एक फॉर्मूला का नाउ का फॉर्मूला है जो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम को शो करता है। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन कि अगर हमने यहाँ पे कोई डेट डाला हुआ है, उस डेट में मान लीजिए हमको 25 दिन ऐड करना है, तो 25 दिन ऐड करने के लिए सिंपल डेट में जाए और प्लस 25 कर दे, आपका 25 दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे डेट के अंदर में मान लीजिए 2 महीने ऐड करने या 3 महीने ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप ये नहीं करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय 3 तब प्लस करें, ये गलत होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई रेट का, इसमें जाइए और प्लस यहाँ पे 3 कर दीजिए जो मंथ ऐड करना है, तो आप देखेंगे टाइम का फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश से चेंज कर लीजिए, तो आपने जो ऐड किया 3 महीने बाद का डेट आपको शो कर दिया, राइट सर? ओके सर। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ई डेट का। दिस वन इज न्यू। हाँ, अब माइनस करना है आपका, तो आपको -3 कीजिए तो -3 हो जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने हैं, तो हम इस मेथड को लेंगे, जो मेथड आपका एक वाला था इसी मेथड को फॉलो करेंगे। हम देंगे यहाँ पे डेट और हम बोलेंगे कि ईयर, इसमें से ईयर करो 2018, और 2018 में +2 कर दिया हमने। फिर मैंने मंथ लिया
और इसमें से मंथ को अलग किया और इसमें हमने प्लस फोर कर दिया। फिर हमने डे अलग किया और डे में हमने प्लस 22 कर दिया। तो मेरे डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड हो गए आ गए। ठीक है सर? ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ई डेट का फॉर्मूला लगाया उसमें मंथ ऐड किया, तो ऐसी कोई ईयर को भी आगे बढ़ाने के लिए है डायरेक्टली, जैसे 3 इयर्स आगे बढ़ाने हैं तो डायरेक्ट यहाँ मंथ में ईयर को मंथ में कन्वर्ट करके डाल दो, ये अलग कर देगा आपका। जैसे 5 ईयर करना है तो 5 × 12। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये डेट की कैलकुलेशन आपने देखा कि किस तरह से डेट में हमने ऐड किया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर मेरे पास अगर डेट और टाइम दिया हुआ है एक साथ में, फॉर्मेट होता है हमारा कि डेट भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, जैसे ये वाला है, ठीक है। अब इसमें मुझे 48 आवर्स जोड़ने हैं कि 48 आवर्स। 48 आवर्स क्या होता है? 2 दिन होते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप टाइम फॉर्म, यहाँ पे 48 आवर्स टाइम फॉर्मेट में लिखे और जस्ट प्लस कर दे। ठीक है, तो 48 आवर्स आपने जोड़ा तो 2 दिन ऐड हो गए सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस में आप देखिए, हमें दो डेट के बीच की डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो आपका डिफरेंस इन द डेज में आ जाएगा। या फिर आपके पास एक नया फॉर्मूला है डेज का, वो भी आप कर सकते हैं कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से वीकेंड्स को और जो हॉलीडे है उसको इंक्लूड करके नेटवर्क डेज निकालना चाहता हूं, कि जो हमारा वर्किंग डेज है वो निकालता हूं। तो नेटवर्क डेज हमने बोला स्टार्ट डेट एंड एंड डेट किया, और हमने इसमें हॉलीडे लिस्ट जो आपके पूरे साल का है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सैटरडे एंड संडे के अलावा छुट्टियां, आपका क्रिसमस की छुट्टी है, लेबर डे की छुट्टी है, जो छुट्टियां है वो आप यहाँ पे निकालिए। हालांकि आप लोग जहां है वहां छुट्टियां कम होती है, हमारे में इंडिया में बहुत छुट्टियां होती है। तो ये रहा हमारा, लेकिन यहां पे हो गया, लेकिन इसमें सैटरडे एंड संडे दोनों को उन्होंने हटाया है। लेकिन सैटरडे एंड संडे के अलावा मान लीजिए मेरा जो ऑफिस है सैटरडे एंड संडे नहीं ऑफ होता है, सिर्फ संडे ऑफ होता है, या किसी जैसे फ्राइडे गर्ल्फ में फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होती है, तो ये आप नेटवर्क डेज ले लीजिए, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंड यहां आप वीकेंड सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीकेंड कब है। ठीक है, तो मैंने वीकेंड्स जो है सिलेक्ट कर लिया यहां संडे ओनली, और फिर हमने हॉलीडे ले लिया और फिर हमने एंटर कर लिया। तो इसे सैटरडे एंड संडे और जो हॉलीडे होगा उसी को अलग करेगा जो लिस्ट हम डालेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मैं आज एक बैंक को कॉल किया और एक सर्विस रिक्वेस्ट हमने डाला। बैंक बोला कि वो 15 दिन वर्किंग डे के अंदर में वो हमारा रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, तो 15 वर्किंग डे बाद कौन से डेट होगी? अगर आपकी कंपनी सैटरडे एंड संडे ऑफ होती है तो वर्क डे लीजिए और आप सिलेक्ट कीजिए कि स्टार्ट डेट एंड ए आपका हॉलीडे, ये आपका डेट होता है सैटरडे एंड संडे के अलावा। एक मिनट, लेकिन आपकी कंपनी सिर्फ संडे संडे ऑफ होती है तो उसके लिए आप networkdates.intl दे सकते हैं, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज
एंड आप हॉलीडे चूज कर सकते हैं कि कौन सा हॉलीडे आपका सॉरी जो आपका वीक वीक है वीकेंड्स वीकेंड सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप हॉलीडे लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। माइनस क्यों आया? अच्छा नेटवर्क डेज लगा दो मैंने, ओह सॉरी वर्क डे हो ना, वर्क डे डॉट एट आई एन डी एम। ये आपका डेटा है, ठीक है सर। तो आपने आज सीखा किस तरह से डेट को एक्सपेंड करोगे और कंबाइन करोगे, ठीक है। देन आपने सीखा पर्टिकुलर डेज मंथ ईयर कैसे ऐड करेंगे और दो डेट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे डिफरेंसेस निकालेंगे। तो इसी पे आप लोग प्रैक्टिस करें, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल हमारा क्लास जो है, हाँ कल फ्राइडे है, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और डेट एंड टाइम में टाइम की कैलकुलेशन और डी के कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है सर, ओके बाय, थैंक यू।